दोस्तों, अगर आप एक कोई बजट स्मार्टफोन खरीदने वाले हैं आने वाले कुछ टाइम के अंदर, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि वीवो का एक बहुत ही बेहतरीन वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन वीवो U20 लॉन्च होने के कगार पर है। इनफैक्ट ये 22 नवंबर को लॉन्च हो जाएगा इंडिया के अंदर, और इस फोन की क्या स्पेसिफिकेशन है, कितनी प्राइसिंग के साथ ये फोन आएगा और क्या क्या है और किन लोगों को ये फोन लेना चाहिए, इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं वीर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस फ्रेश कमाल एपिसोड के अंदर, और आप देख रहे हैं टेक न्यूज़। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीवो की जो यू सीरीज है वो जानी जाती है एकदम बजट के लिए, एकदम टाइट बजट के लिए आप कह सकते हैं। और अगर आपको कोई बजट फ़ोन लेना है अपने किसी भाई बहन के लिए, या फिर अपनी वाइफ के लिए या हाउसवाइफ के लिए, अगर आपको कोई फ़ोन लेना हो एकदम बजट के अंदर, तो वीवो U20 एकदम बेस्ट ऑप्शन रहेगा। नवंबर 22 को एक इसका इवेंट है, वीवो को लॉन्च इवेंट, और वीवो ने खुद कंफर्म किया कि वहाँ पे इस फ़ोन को लॉन्च करेंगे। और कुछ स्पेक्स वगैरह लीक हुए हैं या कुछ स्पेक्स ऑफिशियली भी कन्फर्म हुए हैं वीवो की तरफ से। दोस्तों, वीवो ने U10 अभी कुछ 2-3 महीने पहले ही लॉन्च किया था, उसके 2 महीने बाद अभी इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि नवंबर 22 को वो लॉन्च करने वाले हैं इस फ़ोन को। इस फोन की अगर स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, तो यहां आपको स्नैपड्रैगन 675 AI वाला क्वालकॉम वाला चिपसेट देखने को मिलेगा, उसके साथ ही इसके अंदर UFS 2.1 की आपको स्टोरेज देखने को मिलेगी। दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ रैम और स्टोरेज की, तो यहाँ पे आपको 6GB रैम के अंदर ये फोन आपको देखने को मिलेगा, और साथ ही 64GB वेरिएंट के साथ, और इसका स्टोरेज जो रहेगा वो UFS 2.1 रहेगा। अगर हम बात करते हैं इस क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 675 वाले प्रोसेसर की, तो ये इससे पहले वीवो के 2 फोन के अंदर आ चुका है, वीवो V17 प्रो, वीवो V15 प्रो। उसके बाद ये तीसरा फोन होगा वीवो U20 जिसके अंदर ये चिपसेट आएगा, और साथ ही आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा 128GB वाले स्टोरेज तक जाने का। अगर हम बात करते हैं दोस्तों बैटरी की, तो यहाँ पे 4000mAh की बैटरी मिलेगी, जिसके साथ आपको 18W का चार्जर साथ में आएगा, जो कि बहुत ही अच्छी डील है। अगर आप 11-12 हज़ार तक अगर कोई फ़ोन देख रहे हैं या फिर बजट के अंदर कोई फ़ोन देख रहे हैं, तो ये फ़ोन आपको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। दोस्तों, अगर हम लुक्स की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको ग्रेडियंट डिज़ाइन देखने को मिलेगा, काफ़ी प्रिटी क्लीन और क्लासिक लुक आपको देखने को मिलेगा। और फ्रंट की अगर हम बात करते हैं, तो डिस्प्ले रहने वाली है आपकी 6.3 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले, जिसके अंदर आपको मिनिमल बेजल्स देखने को मिलेंगे, और एक वाटर ड्रॉप नॉच आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर मैं बैक की बात करता हूँ, तो यहाँ पे आपको 3-3 कैमरे देखने को मिलेंगे, और हालांकि कैमरा की जो स्पेसिफिकेशंस है अभी तक रिवील हुई नहीं है, लेकिन स्टिल जो अभी तक आ रहा है सामने, उसके हिसाब से 16MP का आपका मेन सेंसर, 8MP का आपका टेलीफोटो जूम, और 2MP का आपका डेप्थ सेंसिंग। और वहीं अगर फ्रंट की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको 16MP का कैमरा देखने को मिलेगा, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको बैक में देखने को मिलेगा। और आप कहेंगे कि यार यहाँ पे ये इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दे देते, लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगा दोस्तों कि ये एक बजट फ़ोन है, तो यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बैक स्कैनर से आपको सेटिस्फाइड होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर दीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। और हाँ, अगर आपने इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस को लाइक और फॉलो नहीं किया वो भी कर दीजिए, IDs अभी आपको यहाँ पे फ्लैश हो रही होगी, या फिर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों, अगर हम बात करते हैं ये फ़ोन आपको कहाँ अवेलेबल होगा, या ऑफलाइन मिलेगा या ऑनलाइन मिलेगा या कितने तक मिलेगा, तो यहाँ आपको मैं बहुत क्लियर कर दूँ, ये ऑनलाइन स्पेसिफिक फ़ोन है। हालांकि वीवो जाना जाता है अपने फ़ोन्स को ऑफलाइन बेचने के लिए, लेकिन ये वाला पर्टिकुलर मॉडल आपको ऑनलाइन ही देखने को मिलेगा amazon.in के ऊपर। और इस फ़ोन के बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन स्पेकशीट वगैरह आपको देखनी है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एक लिंक, वहाँ पे आप जाकर इसको चेकआउट कर सकते हैं। ये फ़ोन आपको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए, एकदम बजट के अंदर ये फ़ोन है आपका 11-12 हज़ार रुपये के आसपास। हालांकि प्राइस अभी लीक हुई है, 11-12 हज़ार के आसपास ये रहेगी टेंटेटिवली। नवंबर 22 को इसका ऑफिशियल लॉन्च इवेंट है, वहाँ जाके आप इसके एक्चुअल प्राइस को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर दीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। और हाँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर के पेजेस को आपने लाइक और फॉलो नहीं किया वो भी कर दीजिए। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो के बारे में जो कुछ भी आपकी राय है, बेधड़क से आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको गालियां भी लिखनी है, तो लिख दीजिए, मोस्ट वेलकम, एटलीस्ट मुझे पता तो चलेगा कि मेरे को कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ों को इम्प्रूव करना है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए चेक है, बाय बाय।